हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस डार्क सर्वाइवल लिवोल का आर्क प्राइमल फियर का। सो गाइस, आर्क प्राइमल फियर का जो पिछला एपिसोड था, आपको बता होगा कि उस एपिसोड में हम लोग सिलेस्टियल टायर तक जो ना गाइस पहुंच चुके थे, और हम लोग ने एक सिलेस्टियल वाले फ्यूरोक्स को टीम करने का काम भी करा था। और मैंने आप लोगों से पूछा था कि हम लोग सिलेस्टियल वाले फ्यूरोक्स की आर्मी जो है गाइस वो बनाए कि नहीं, और आप लोगों ने बोला यस भाई, हमको मांगता सिलेस्टियल फ्यूरोक्स की आर्मी। सो इसलिए आज के इस एपिसोड में हम लोग सिलेस्टियल फ्यूरोक्स की जो आर्मी है ना, उसको यहाँ पे टेम करने वाले। हमारे बफोन फ्यूरोक्स का 900 मिलियन डैमेज जा रहा है, क्या लग रहा है हमारे सिलेस्टियल फ्यूरोक्स की जो आर्मी है उसका डैमेज कितना जाएगा। रुको जरा, सुपर करो, अभी पता चल जाएगा थोड़े टाइम में आपको, जब मैं आर्मी पकड़ूंगा। वैसे आज का जो एपिसोड है ना गाइस हमारा, वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप लोग को गेमिंग विद एनी के चैनल की, जिनके चैनल पे आर्क की अलग अलग वीडियोज आती रहती है, उनके चैनल को भी जरूर से चेकआउट कर लेना। और गाइस यहाँ पे अगर आपको आर्क के सर्वर बनाए, आर्क पीसी या आर्क मोबाइल के, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक है, अभी जाके अगर वहां से आप लोग सर्वर बनाते हो तो तगड़ा वाला डिस्काउंट मिल रहा है। सो जरूर चेकआउट कर लेना निट्राडो सर्वर को, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। और तुम्हारे भाई ने एक खतरनाक सा नया चैनल खोला है आर्क पीसी का, जहाँ पे ओनली आर्क पीसी की जो है ना गाइस वीडियो आएगी। उस चैनल का लिंक आप लोग को शॉर्ट वीडियो सेक्शन में फर्स्ट या सेकंड शॉर्ट के नीचे या कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा। भाई मैं कम्युनिटी पोस्ट करते रहता हूँ, वहाँ पे जाइए। अगर आपको आर्क पीसी की वीडियो देखना पसंद आता है तभी जाके उस चैनल को चेकआउट करना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस अभी आज का ये वाला एपिसोड शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखो, मैं पहले चेकआउट कर लेता हूँ कि हमारे मैप पे कितने सिलेस्टियल फ्यूरोक्स जो है ना गाइस वो अवेलेबल है। भाई ठीक है, सिलेस्टियल फ्यूरोक्स भाई कितने अवेलेबल है देखता हूँ मैं अपने मैप पे। टोटल भाई 700 लेवल का सिलेस्टियल फ्यूरोक्स भी आ चुका है, 1 2 3 4 5। एक काम कर लेता हूँ मैं फटाफट से, 700 लेवल है ना वो। हाँ भाई रुको भाई, मुझे सिलेस्टियल वाले किबल बनाने दो भाई, सिलेस्टियल किबल भाई। ठीक है, 10 सिलेस्टियल किबल कम से कम गाइस हम लोग को चाहिए होंगे। शायद से 2 किबल से जो ना गाइस यहाँ पे नॉकआउट टेम होगा हर एक फ्यूरोक्स भाई। ठीक है, सो मैं फटाफट से गाइस यहाँ पे 10 किबल जो है वो बना रहा हूँ। और गाइस एक और बात मैं आपको बताना भूल गया गाइस, आपको बताओगे हमारे चैनल की बैंड बजी पड़ी है, काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहा है चैनल। सो इसलिए जो ना गाइस आप लोग जो वीडियो है वो विदाउट स्किप करें अगर देखते हो, तो वॉच टाइम वीडियो का बढ़ेगा और वीडियो ज़्यादा रिकमेंडेशन में जाएगी। सो ज़रूर से वीडियो को विदाउट स्किप करके, अगर आप देख सकते हो तो विदाउट स्किप करके देखने की कोशिश ज़रूर से कर देना। तो गाइस अभी यहाँ पे मैं फटफट करके, अरे मैं यहाँ पे कुछ तो डालना चाहता था, ऑर्गेनिक पॉलीमर ये यहाँ पे फेंकने, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए अपन लोग ने लिए थे। अभी हम लोग फटाफट से यहाँ पे किबल कितने बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं ना। और उनको नॉकआउट करने के लिए हमारे पास ओरिजिन वाली ये एरोज भी है, हमारी नॉर्मल गन जो है ना गाइस इससे वो नॉकआउट नहीं हो पाएंगे। मुझे इस वाले ओरिजिन एरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल गन से 5-10 मिलियन टॉर्पर में दे नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये 10 किबल बन के रेडियम, मेरे पास भी एक किबल होगा, 11 टोटल किबल है हमारे पास। ठीक है चलो, सो इसको टेम करने के लिए काम कर लेता हूँ मैं, जो इसको पहले यहाँ पे नीचे रख दूँ मैं। ठीक है, हम लोग पहले इसको यहाँ पे नीचू रख देते ऐसा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे नीचे रख देंगे, और उसके बाद हम लोग फटाफट से चलते हैं अपने ग्रिफिन कॉर्न के पास। हम लोग जो है ना कि हमारे ग्रिफिन कॉर्न को लेके जाएंगे उस फ्यूरोक्स को टेम करने के लिए, क्योंकि अगर भाई वो फ्यूरोक्स मेरे ऊपर एग्रो भी हो जाता है तो ग्रिफिन कॉर्न की एबिलिटी है ये वाली, पट्ट से एग्रो हटाने वाली, और इससे मैं उसका एग्रो हटा दूंगा और उसको एरो मार के मस्त बेकि भाग जाएंगा अपन भाई। ठीक है, ये रहा फ्यूरोक्स, बूम बाम कर रहा है इधर उधर, जरा देख ले, अभी तक तो चुपचाप खड़ा हुआ दिख रहा मेरे को, सही रहेगा अभी जाके इसको एरो मारना। वो अरे बाबा रे बाबा, सिलेस्टियल बॉम्ब डाल दिया, बच गया। अबे कहाँ फटा वो बम, उधर फटा भाई, भाई बाल बाल बच गया भाई। मैं उसके तोबड़े के नजदीक गया था उसी टाइम पे उसने सिलेस्टियल बॉम्ब डाल दिया बाबा, भाई वेरी वेरी डेंजरस। इधर आ इधर आ इधर आ फिरोक्स, ये मेरा पीछा कर रहा भाई, सिलेस्टियल बॉम्ब चिकी चिकी बम बम डाल रहा है गाइस। ठीक है ब्रो,
चीख है, इसको अभी टॉर्पोर चढ़ने वाला है और दो केबल खिला के मारे को इसको टेम करना है, ठीक है? दो केबल ओनली, आजू बाजू खतरा तो नहीं है? नहीं है भाई, इधर आ जा फिरॉक्स भाई। सिलेस्टियल वाले दो केबल इसके अंदर डाल देने, टेमिल पर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो ओरिजिन एरो होती है उसके अंदर इनबिल्ड टेमिल पर होता है। भाई साहब 1000 लेवल का सिलेस्टियल फिरॉक्स है, मजाक हो रहा है क्या? चलो 1200 मीटर दूर भाई, टोटल मैप पे जो ना गाइस आई थिंक से 5 या 6 फिरॉक्स थे, पता नहीं कितने थे, जितने भी थे उन सबको टेम करता हूँ। 10 केबल बनाए मतलब 5 फिरॉक्स थे, ठीक है? सो हम लोग जो ना गाइस पांचों के पांचों फिरॉक्स को टेम करेंगे यहाँ पे। ये रहा हमारा एक और फिरॉक्स, संभल के चल। अबे क्या चोमो बनती है भाई, ठीक है, अच्छी बात है कि सारे फिरॉक्स चुपचाप से बैठे हुए किसी के साथ उंगली नहीं कर रहे, ठीक है? उंगली करते हैं ना तो भाई ओरिजिन एरो मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि फिर वो इधर उधर भागते रहते हैं। अभी एक जगह पे खड़े हैं शांति से, हम लोग जा रहे पीछे से और एक मस्त बेकी जो ना गाइस एरो मार के भाग रहे हैं भाई। इसको अभी टॉरपोर्ट चढ़ने वाला है और इसके लिए भी मुझे चाहिए होंगे ओनली 2 सिलेस्ट्रियल केबल, ठीक है? चलो कोई सीन नहीं, कोई सीन नहीं है भाई। बस 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 डेड बॉडीज खाने जा रहा भाई, डेड बॉडीज खाने के लिए जा रहा है। शर्म कर भगवान से डर, इतना बुक्कड़ है कह रहे तू भाई, डेड बॉडीज खाने के लिए जा रहा था। रुको इसके अंदर भी मुझे 2 केबल डाल देने और ये भी हो जाएगा गाइस यहाँ पे तुरंत ही डेम भाई। ओए अरे भाई डरा दिता भाई, डरा दिता, मेरे को लगा भाई ये उठ गया भाई। ये लो ओके, तो तुम्हारे भाई के पास अभी 3 ग्रिफिन आ चुके, ग्रिफिन नहीं सॉरी 3 फिरॉक्स आ चुके 4000 मीटर दूर। नहीं भाई इतना दूर तो नहीं जाऊंगा, कोई नजदीक है तो बताओ, दूर वाले को एंड में टेम करेंगे हम लोग ना यार, सारे के सारे दूरी है। जितने भी अभी 3 फिरॉक्स है वो तीनों की तीनों काफी ज्यादा दूर है। चलो भाई हमारे ग्रिफिन कोन की वैसे स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है तो इसकी मदद से इजीली हम लोग यहाँ पे इन सारे फिरॉक्स को टेम कर लेंगे। और अगले एपिसोड में ना मैं क्या करूंगा बताएं, इन फिरॉक्स से लूंगा बॉस फाइट, देख देगा इसकी बॉस को हमारी ये फिरॉक्स जो है इसको डिफीट कर पाते कि नहीं, मार पाते कि नहीं। हाँ उसके लिए मुझे पहले तो भाई आर्टिफैक्ट का जुगाड़ करना पड़ेगा, वो भी कर लेंगे। रुको अभी पहले 300 मीटर दूर है, ओ ये रहा, उंगली ना कर रहा, ओरिजिन बेस आर्ड में थोड़ा सा एम तो है तेरे भाई का, क्या भाई लोग एम तो है। ये पहाड़ी थोड़ी सी खतरनाक, ओ स्पिरिट, ओ ड्रैगन स्पिरिट, ओ शिट ड्रैगन, उस फिरॉक्स का तो नहीं पीछा कर रहा ना? नहीं, अच्छा हुआ भाई, ये देख रहे हो चमका डाला है पूरे पहाड़ को भाई, स्पिरिट डायरो ने पूरे पहाड़ को चमका डाला था भाई। भाई वहां पे काफी ज्यादा खतरा है, ओके हो जा भाई। यहाँ पे क्या कब खतरा है, इसको डोज देना पड़ेगा। अरे पूरा खानदान को साथ में लेके घूमते हो क्या चोरो, हैं? एक को मारो भाई 10 वापस से आ जाते उंगली कर, इसको बेहोश करो कि ये उंगली करने आएगा। ओके आराम से बस 2 केबल इसके अंदर डाल देने, वहां पे बूम बाप चल रहा है उसको फुल मारो इग्नोर, इसको कर लो टेम, हो गया भाई टेम, लेट्स गो बॉय। अबे यार गलत डायनो को क्रायो कर लिया मैंने, हमने ग्रिफिन कॉर्न को गलती से क्रायो कर लिया। चला आ जाओ अगली लोकेशन 3000 मीटर दूर, आप बिड़ी करके देते वहां। यहाँ पे वैसे कौन कौन से स्पिरिट वाले डायनो है जरा एक बार नजर डाल के देख लेते गाइस। वो ड्रैगन है भाई स्पिरिट वाला, और ग्रिफिन भी देखा था मैंने स्पिरिट वाला। चलो भाई यहाँ से पहले कल्टी मार दूं मैं, ठीक है हम लोग फटाफट से अभी यहाँ पे चलते हैं अपने अगली लोकेशन पे जहाँ पे हमारा अगला सिलेस्टियल फिरॉक्स हम लोग को मिलेगा। भाई इतनी बड़ी आर्मी बनाऊंगा, इतनी बड़ी आर्मी बनाऊंगा किसी ने सोची ना होगी। संभल के उंगली ना कर रहा हो बस किसी को, अरे भाई चुपचाप से बैठा हुआ है। रुको एम तो है तेरे भाई क्या, हाँ मेरी जान, लेट्स गो, हो जा भाई बेहोश भाई, इजी पीजी चुपचाप से सारे फिरॉक चुपचाप बैठे। आज लग रहा है भाई किसी को उंगली करने की चुल्ली ही मच रही है। चलो अच्छी बात है आराम से बैठे रहे, वो इसने खतरा भी क्लियर कर दिया है। हाँ बस ये दौड़े दौड़े भाई वायरन वैली में जाके बेहोश ना हो जाए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? इसको टॉर्पोर ऑलमोस्ट चढ़ने वाला है, अब ये भागना चालू कर देगा, वो नहीं भाग रहा है, अच्छी बात है। चलो यहाँ चुपचाप बैठ के
इसको दो किबल खिला के टेम कर लेता हूँ। ओके, पांच किबल है टोटल, ये ले भाई दो किबल हो जाते हैं। हाँ मेरी जान, हो गया हो गया हो गया। ये 625 लेवल का फिरॉग जो है वो भी डेम हो चुका है। अभी बस आखिरी एक और फिरॉग हम लोग को डेम करना है, उसके बाद गाइज पूरे मैप पे जितने भी सिलेस्टियल फिरॉग्स थे वो यहाँ पे टेम करके हमारे हो जाएंगे। क्या लग रहा है गाइज, क्या इनका डैमेज बिलियन तक जा सकता है? क्या लगता है गाइज आपको, क्या बिलियन तक डैमेज इनका जा पाएगा अपने इस फिरॉग्स आर्मी का? वो तो घर पे जाके चेकआउट करेंगे, ये जाके उसको डेम करके आने दो जो 1000 मीटर दूर हमारा आखिरी फिरॉक्स है, ठीक है। और लाइक कर देना गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं करा होगा तो फटाफट से ये लो निकाल शांति से, ये भी शांति से बैठा है ना, उंगली करना चालू कर दी, लग गया लेकिन इसको एरो तो मार दिया मैंने, एरो तो मार दिया। वहां पे बटरफ्लाई को उंगली कर रहा है, बताओ। ओए पंप चिकी चिकी पंप पंप, संभल के भाई, ठीक है भाई, पूरा एरिया क्लियर हो गया भाई, चलो भाई। अरे वाह, ड्रैगन क्या कर, गलती से भी नजर पड़ी हम पे, व्हाट द हेल भाई। इधर आओ इधर आओ, इनको भाई दूर लेके जाना पड़ेगा फिरॉक्स से, इनको फिरॉक्स से दूर लेके जाना पड़ेगा तभी मैं फिरॉक्स को डेम कर पाऊंगा। इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ भाई, ठीक है जल्दी से तो अरे भाड़ में जा भाई, जय पत्रकाली। ओके मुझे दो किबल रिटर्न में मिले, शायद से वो एक ही किबल से डेम हो गया। चलो चुपचाप से अभी घर पे चलते हैं और पहले हमारी फिरॉक्स की जो आर्मी है वो देखते हैं। छोटू छोटू नन्नू मुन्ने से भाई रीपर से पंगा लेके क्या ही फायदा है। सो गाइस अब रेडियो यहाँ पे हमारी सिलेस्टियल फिरॉक्स आर्मी चेकआउट करने के लिए, रुको पहले इसको जहाँ से निकाला था वहाँ पे पार्क कर देता हूँ मैं। ओके ये अपना पार्किंग डन 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 डन। अभी देखो मेरे सिलेस्टियल फिरॉक्स की आर्मी को गाइज, पहले तो भाई इस फिरॉक्स को मैं बाहर निकाल के लेके जाता हूँ। ओके और बाहर का एरिया पहले क्लियर कर देता हूँ एंड वहाँ पे मैं अपने सिलेस्टियल फिरॉक्स की आर्मी बाहर निकालूंगा। फुल बूम बाओ, इधर कुछ है क्या, इधर कोई डायनो है तो इधर भी एक बम डाल दे रही एक बम, खल्लास भाई खल्लास, वो भी मार दे रही, उंगली करने आ सकता है क्या पे प्राइमल वाला एक जाओ, बॉस है ना ये, हाँ ये बॉस था ठीक है फुल बूम बॉम्ब, ये लो इधर भी एक बूम बॉम्ब डाल देता हूँ मैं, खत्म। चलो पूरा एरिया मैंने क्लियर कर दिया है, चमका डाला है भाई पूरे बम चिकी चिकी बम बम डाल के। अभी हम लोग हमारे सिलेस्टियल फिरॉक्स की आर्मी बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे सिलेस्टियल फिरॉक्स की आर्मी, ठीक है। ये क्या है, सिलेस्टियल फिरॉक्स ही है ना भाई, हाँ मेरी जी एन, ये लियो लियो भाई लियो सिलेस्टियल। ये रहो गाइस यहाँ पे तीन और सिलेस्टियल फिरॉक्स, भाई अपने पास मतलब टोटल 6 सिलेस्टियल फिरॉक्स आ चुके हैं भाई, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पाँच नहीं भाई, सीधा 6 सिलेस्टियल फिरॉक्स की आर्मी तुम्हारे भाई ने बना डाली है। चे भाई मजाक हो रहेगा भाई, ये देखो भाई ये देख रहे हो, ये रही तुम्हारे भाई की सिलेस्टियल फिरॉक्स आर्मी। और इससे जो ना कैसे हम लोग अगले एपिसोड में बॉस फाइट भी लेने वाले हैं, लग रही है ना एकदम खतरनाक। रुको 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 जरा सबर करो फटाफट से, ए इनका सैडल इन सबको मैं पहना नहीं सकता पता है, क्योंकि मुझे सिलेस्टियल वाला काफ़ी ज़्यादा हाइट चाहिए होगा, उतना हाइट मेरे पास नहीं है, बट मैं इनके हेल्थ में तो पॉइंट डाल के इनकी हेल्थ तगड़ी वाली कर सकता हूँ ताकि ये जल्दी से ना मरे भाई, ठीक है। 20-25 मिलियन हेल्थ रहेगी इनकी, रुको मैं एक्सपी पोशन डाल देता हूँ। अबे ये क्या छोटू छोटू एक्सपी पोशन नहीं डालने का, बड़ा वाला डाल देने का, ठीक है। रुको मैं इनकी फटाफट से मैक्स लेवल कर देता हूँ गाइस, और हेल्थ जो ना कैसे इनकी भाई 20-25 मिलियन के बीच में रहेगी ताकि उतने आसानी से कोई भी इन लोग को जो ना मार ना पाए, ऑल राइट। और साथ में मैं इनको कर रहा हूँ इम्प्रिंट भी, ये हो गया इम्प्रिंट 35 मिलियन हेल्थ, इसकी कुछ ज़्यादा हेल्थ हो गई गाइस, ठीक है रुको
इसकी भी अवेलेबल कर लूँ मैं फटाफट से। इसके अंदर भी जाएगा अपना पोशन। स्किल तो भाई 20 मिलियन तक कर देता हूँ मैं, बस इनफ है 19, क्योंकि इम्प्रिंटिंग पोशन खिलाने के बाद ऑटोमेटिकली 20-25 मिलियन तो इसकी हेल्थ जाने ही वाली है। ठीक है, सो ये रहा हमारा भाई सेकेंड वाला सिलेस्टियल फिरॉक्स अपनी आर्मी का, और ये हो गया भाई यहाँ पे इम्प्रिंट। ऑलराइट, इसकी हेल्थ कितनी है भाई? 27 मिलियन, कुछ ज़्यादा ही हो गया यार हेल्थ। चलो कोई ना कोई ना, इसको भी एक्सपी पोशन खिला देता हूँ। इसकी 15 मिलियन तक लेके जाता हूँ मैं। हाँ बस 17 मिलियन इनफ है। बचे भाई सारे पॉइंट अभी मिली डैमेज में डाल देंगे हम लोग इस वाले फिरॉक्स के। इसकी 1000 प्लस भाई यहाँ पे लेवल जाने वाली है, खतरनाक भाई। मेरे पास जो पुराना वाला भाई फिरॉक्स था उसकी भी शायद तो इतनी ज़्यादा लेवल नहीं थी। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया इम्प्रिंट भाई। ऑलराइट, 24 मिलियन इसकी हेल्थ हो चुकी है। ये अपना मेन था ना? हाँ, इसकी 50 मिलियन हेल्थ है भाई, 56 मिलियन हेल्थ करी थी मैंने। और ये रहा अपना एक और फिरॉक्स, इसको भी हम लोग मैक्स लेवल कर देते हैं और इसको भी इम्प्रिंट कर देंगे। मैं इसकी भाई बस 15 मिलियन हेल्थ करूंगा, बाकी बचे हुए सारे पॉइंट हम लोग इसके मिली डैमेज में डालेंगे। इसके आई थिंक से 25 मिलियन तक चली जाएगी ऐसा लग रहा है मुझे इम्प्रिंटिंग के बाद। ओके, ये भाई हो गया हमारा सेकेंड लास्ट जो फिरॉक्स है वो भी आप है इम्प्रिंट। ये हो गया इम्प्रिंट। ओके, 21 मिलियन, नाइस वन, काफी बढ़िया। और ये रहा हमारा आर्मी का गाइस आखिरी फिरॉक्स जिसको अभी आप लोग लेवल अप करने वाले। उसके बाद भाई यहाँ पे लड़ाई के लिए हमारी जो फिरॉक्स आर्मी है वो हो जाएगी एकदम फुल टू डन 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 रेडी इज द बॉयज। ठीक है, अरे एक्सपी पोशन नहीं डाला क्या? अभी डाल दिया, अभी डाल दिया। ले भाई दबा के मिली डैमेज में पॉइंट। एंड ये हो गया गाइस हमारा आखिरी वाला फिरॉक्स भी रेडी जिसकी 22 मिलियन हेल्थ है। सो ये रही गाइस तुम्हारे भाई की खतरनाक सी फिरॉक्स आर्मी। जैसे कि आप देख सकते हो 1000 लेवल, ये भी 1000 लेवल, ये भी 1000, ये भी 1000, ये 950 और ये 950 लेवल का भाई। मतलब सारे के सारे मेरे फिरॉक्स 900 लेवल प्लस के हैं। और ये रही हमारी सिलेस्टियल वाले फिरॉक्स की तगड़ी वाले आर्मी जो आज के इस एपिसोड में तुम्हारे भाई ने टेम करी है। गाइस इस फिरॉक्स आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है ना मेरी जान। देखो इसके ऊपर मैं राइड करता हूँ, जलवा देखना चाहोगे सिलेस्टियल फिरॉक्स का? फॉलो द लीडर मेरी जान। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आर्मी, देखो आर्मी, मजाक हो रहा है क्या ब्रो? मजाक हो रहा है क्या? आर्मी देख लो यार, काफी खतरनाक लग रही है। रुको 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 रुको, किसी को तो पेलम पाल देना पड़ेगा। अरे कहाँ जा रहे हो यार, जंपे जंपे मार। अरे ये सुपरमैन की छठी आवला, इधर आजा भाई, किधर उड़ उड़ के जा रहा है? आजा। हाँ अरे ये देखो, ये देखो सुपरमैन की पायरेटेड कॉपी। किधर भाई, कहाँ उड़ उड़ के जा रहे? चलना नहीं आता क्या तेरे को? हाँ भाई इधर भाई, हमला कर दो, कर दो हमला। बूम बम बूम बम बूम बम। भाई लोग मिलियन में डैमेज देना है, बफोन फिरॉक्स का 900 मिलियन डैमेज जा रहा है। ठीक है, बेइज्जती हो जाएगी बफोन फिरॉक्स के सामने। मिलियन में डैमेज देना है तुम लोग को, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? ऐसा भाई उड़ उड़ के नहीं जाने का, डैमेज भी देने का। ठीक है, आ जाओ आ जाओ गाइस, मिलियन में डैमेज जाना चाहिए अपना, मिलियन में। अगर नहीं गया मतलब ऐसे वैसे ना 500 मिलियन प्लस तो जाना ही चाहिए। ले भाई ये क्या है, 500 मिलियन छोड़ो 5 लाख का डैमेज दे रहे हैं ये लोग। 500 मिलियन तो 500 किलोमीटर दूर रह गया भाई, ये क्या बदतमीजी चल रही है? रुको वन सेकेंड भाई, फिरॉक्स यार नाक नहीं कटाना भाई, भाई 1 मिलियन का फटका दे दी भाई। एक भी फिरॉक्स का बम का डैमेज आया इसका गया मिलियन में, जो भी था 1 मिलियन डैमेज है। लेकिन नहीं नहीं गाइस रुको, बी पॉजिटिव, वो देखो भाई कहा कहा भाई, तो क्या कर रहे हो भाई? देखो सुपरमैन की पायरेटेड कॉपी। अबे हेलो, ये 1 2 3 फिरॉक्स मेरे, चौथा ए पांचवा फिरॉक्स किधर रह गया? ले भाई वो पापा का परा बन के उठ भाई, अबे वो कहां चला गया? अरे चल क्या रहा है अबे, ये फिरॉक्स लोग कहां पे जा रहे घूमने के लिए? ए रुको रे बाबा, ए भाई सबको ट्रैकर खिलाने दो पहले, ये एक रुको, इन सबको ट्रैकर खिलाने दो भाई। सुपरमैन की तरह उड़ उड़ के जा रहे भाई ये लोग। इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ बेटा, ये ले खा ले ठूस ले।
भाई तू इधर। अब यार वो अटक गया है ना, वो अटक गया। इधर इधर यार, वो रहा वो रहा। आ जा भाई, तू भी आ जा। तू कहाँ उड़ उड़ के जा रहा भाई, कहाँ उड़ उड़ के कहाँ जा रही है भाई, समझना। नहीं यार, उसको तो पहले से ट्रैकर खिला रखा है भाई। एक फिरोक्स मिसिंग है अपना, रुको तोड़ रहा हूँ भाई उसको। नहीं टूटेगा तुमसे, रुक जाओ। मैं तोड़ रहा हूँ उसको, पिकैक्स से तोड़ना पड़ेगा इसको। हाँ भाई ये कर ले पहले, उठा उठा के पटक डाल मेरे को। अबे ये हार्वेस्ट क्यों नहीं होता, हम पूछो सीमेंट से बनाए गए हैं। अबे क्या हो रहा है इसके साथ, ये रॉक एलिमेंटल हार्वेस्ट ही नहीं हो रहा भाई। हो गया हो गया हो गया, ये ले भाई तेरे अंदर भी ट्रैकर। रुक जा रुक जा, एक मिनट रुक जा, मेरा एक फिरोक्स मिसिंग है। 1 2 3 4 5 रुको गाइस, ये जो फिरोक्स है वो कहाँ है जरा थोड़ा देख के आता मैं। भाई कहाँ चला गया भाई ये, भाई कहाँ चला गया भाई ये। तो एक तो सुपरमैन की तरह उड़ते रहते, इनसे चलना तो होता नहीं है भाई, चलना होता नहीं, उस रीजन से भाई ये प्रॉब्लम हो जाती है। रुको अबे, एक भाई फिरोक्स हमारा मिसिंग जा चुका है, यहाँ पे मिसिंग हो चुका है। वो भी आगे उड़ उड़ के गया हूँ। वो रहा, वाह भाई वाह भाई, और चला जाता भाई वहां पे पहाड़ी पे। क्या चोमुसा फिरोक्स है भाई, यार यहाँ पे अटक के बैठेगा, ये यहाँ पे अटक के बैठेगा, बताओ। निकल ले साइड से, निकल ले, हाँ निकल ले, जा जल्दी जा, जा जल्दी उधर। क्या गुंडा बनेगा रे तू, रुको पहले इसको ट्रैकर भाई खिलाने दो। यहाँ पे भाई उड़ उड़ के जाने का अलग ही शौक है। चलो सारे फिरोक्स के अंदर हम लोग ने ट्रैकर डाल दिया है। बट गाइस ट्रैकर छोड़ो, इन लोग का डैमेज का क्या सीन है, इनका डैमेज कहीं को नहीं जा रहा भाई। 900 मिलियन उन लोग का, 900 मिलियन का डैमेज है उसके आर्मी का, बफोन फिरोक्स के। और तुम सिलेस्टियल होके नाक कटा रहे हो मेरी, क्या कर रहा भाई तू। रुको आओ इधर, आओ इधर भाई, इधर आओ, इनके ऊपर डैमेज दो। 900 900 मिले ना, भाई मुश्किल से तो इनका 1 मिलियन तक डैमेज जा रहा है गाइस। भाई क्या आर्मी है भाई, मेरे को खास कुछ उम्मीद नहीं है गाइस इस आर्मी से, मेरे को सच में खास कुछ उम्मीद नहीं है गाइस। इनका डैमेज ही नहीं जा रहा, मुश्किल से 8 लाख 9 लाख का जा रहा है। हाँ ये बात इनके अच्छी है कि इनका जो बाइट अटैक है ना उसका डैमेज तगड़ा जा रहा है भाई, ठीक है। जो ये बाइट अटैक है ना गाइस, इसका डैमेज मिलियन में जा रहा था ये वाले अटैक का। सो मे बी इस बाइट अटैक से हम लोग फुंकी बजा सकते हैं 1 मिलियन भाई, मुश्किल से 1 मिलियन डैमेज जा रहा है गाइस इसका। समझ ना आ रहा है गाइस, अबे करे तो करे क्या। रुको टारगेट मार लॉन्ग रेंज से ना यार, पहले से बम फेंके मुझे लग रहा है गाइस इनके बम में ना काफी ज्यादा पावर होती है। एक काम करते ना हम लोग भाई, अगले एपिसोड में ही ना हम लोग यहाँ पे जाते। रुको पहले यहाँ पे रुक जाओ तुम लोग, मैं आर्टिफैक्ट लेके आता हूँ। हम लोग अगले एपिसोड में जो ना गाइस क्या करेंगे बताए भाई, ओरिजिन वाले बॉसेस बनाएंगे भाई, ठीक है। ओरिजिन वाले बॉसेस बनाएंगे। ये मैंटिस भाई कल से यहाँ पे, कल से लिटरली कल से मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, बट इससे हो नहीं पा रहा बेचारे से। अरे क्या गुंडा बनेगा रे तू। अभी मैं ओरिजिन बॉसेस को अगले एपिसोड में क्यों मारूंगा पता है, हाँ उसमें भाई वाइब्रन भी शामिल होगा, क्योंकि अगला जो एपिसोड है उस एपिसोड में हम लोग को यहाँ पे ओरिजिन वाले ट्रिब्यूट इकट्ठा करने। अभी ओरिजिन वाले जो ट्रिब्यूट है गाइस वो क्यों इकट्ठा करने मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सो गाइस हमारे बॉस टायर में, टायर 3 का जो बॉस है उसको बनाने के लिए बियर का, कायरकू का, रैप्टर का और ओरिजिन वाले वाइब्रन का जो है ना गाइस यहाँ पे चाहिए हम लोग को ट्रिब्यूट, ठीक है। सो मैं एक काम करूँगा, अगले एपिसोड में हम लोग टायर 2 वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो ओरिजिन वाले बॉसेस है उन 8ों के 8 बॉसेस को हम लोग हमारी जो फिरोक्स आर्मी है उस फिरोक्स आर्मी से भिड़ाएंगे। अभी देखते हैं गाइस कि अगले एपिसोड में हमारी फिरोक्स आर्मी जो है वो उन 8 बॉसेस को यहाँ पे मार पाती कि नहीं। अगर मार पाई सिलेस्टियल फिरोक्स की आर्मी उस 8 बॉसेस को, तो फिर जाके हम लोग उसके बाद वाले एपिसोड में सिलेस्टियल वाला जो इंडोमेस रेक्स होता है उससे डायरेक्टली अपने आर्मी को भिड़ा देंगे। क्या बोलते हो भाई लोग, कैसे लगा तुम्हारे भाई का प्लान? और गाइस आपको क्या लग रहा है कि हमारी ये वाली आर्मी बफोन फिरोक्स से ज्यादा पावरफुल है? मेरे को तो बफोन फिरोक्स की आर्मी ज्यादा पावरफुल लगी यार, वन शॉट कर दिया था उन लोगों ने ओरिजिन बॉसेस को।
अभी पता नहीं भाई, इट्स डिमोनिक ब्रो, इट्स डिमोनिक। वहां पे डिमोनिक है भाई, पैरासोरस बम डाल दिया भाई, मर गया ना। हाँ मर गया, देखो डिमोनिक पैरासोरस आ गया था भाई, डिमोनिक हाइड इसका हार्वेस्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, डन 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 डन। सो गाइस अगले एपिसोड में हम लोग ओरिजिन से डायरेक्टली पंगे लेने वाले, तो अगला एपिसोड जो होगा वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बाकी अगर आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड जिसमें हम लोग ने सिलेस्टियल फ्रॉग्स की एक बड़ी सी आर्मी टेम करी है, अगर ये वाला एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो है ना गाइस सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। अभी के लिए आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है वो हो जाता है यहीं पे खत्म। मिलते सीधा गए तब से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। फ्रॉग्स की आर्मी को मैं यहीं पे रख देता हूँ, बस भाई यहीं पे रुक जाओ। अबे एक फ्रॉग्स अब वंस अगेन मिसिंग, अबे इनका क्या सीन है यार, 1 2 3 4 भाई ये कहाँ पे उड़ उड़ के चले जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता यार, वेयर आर यू ब्रो। हाँ भाई यार अभी पता नहीं भाई कौन से खोपचे में उड़ के गया वो फ्रॉग्स, उनको मेटल हार्वेस्ट करने दो यहाँ पे भाई। इन लोग के भी अलग ही सीन है भाई, अलग ही नशे होते हैं भाई फ्रॉग्स के। रुको गाइस, टोटल 6 फिरॉक्स है क्या यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, हाँ भाई 6 के 6 फिरॉक्स है, चलो ओके डन 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 डन। सो गाइस आपको हमारी सेलेस्टियल फिरॉक्स की जो आर्मी है गाइस वो कैसी लगी जरूर नीचे कमेंट करके बताना, अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। अगर आप लोग ने हमारे नए आर्क पीसी ओनली गेम प्ले के चैनल को चेकआउट नहीं करा, जहाँ पे ओनली आर्क पीसी की वीडियोस आएगी उसको चेकआउट नहीं करा है, सो जाके चेकआउट कर लेना। उसका लिंक आप लोग को कम्युनिटी टैब में या फिर शॉर्ट वीडियो में फर्स्ट या सेकंड शॉर्ट के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो जरूर चेकआउट कर लेना। उस चैनल पे एजी रिबॉर्न की खतरनाक सी सीरीज चालू है हमारी। सो चले गाइस मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवोल्व के, आर्क प्राइमल फियर के, तब तक बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं आपसे अगले बॉस फाइट वाले एपिसोड में, बाय बाय गाइस।